लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती है, और बात अगर बड़े स्टार्स की होती है तो उनकी लाइफ जितनी रंगीन पर्दे पर दिखती है, रियल लाइफ में उनका चेहरा कई बार बदलता है, चेहरे की रंगत बदलती है, यानी कि उनका व्यवहार भी बदलता है। जी हाँ दोस्तों, आज स्टार लाइफ स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन से लेकर उनकी बहू ऐश्वर्या के बदलते रवैये पर क्या कहना है अभिषेक बच्चन का, क्या कहना है श्वेता नंदा का, इस बारे में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, टॉक शो में, चैट शो में अभिषेक और श्वेता की खुलासे ने जया और ऐश्वर्या के पोल खोल दिए हैं। आराध्या को लेकर ऐश्वर्या की स्ट्रिक्टनेस का राज सामने आया है, तो बच्चन परिवार में जया बच्चन के गुस्से का पीछे का सच सामने आया है। तो आइए जानते हैं स्टार लाइफ स्पेशल प्रोग्राम में आज आप सभी के बीच में आपकी होस्ट तृप्ति। चलिए ले चलते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट्स की तरफ। बात अगर दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन की हो रही है तो हम आपको ये जानकारी जरूर देना चाहेंगे। जया बच्चन बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने हमेशा से अपने स्ट्रिक्ट बिहेवियर और काफी ज्यादा एंग्री लोग के लिए चर्चाएं बटोरी है, जिनके टेम्पर को हाई होने में देर नहीं लगता, ऐसी भी बातें होती रही हैं। हमेशा अपने टेम्पर को लूज कर देती हैं जया। जब भी मीडिया का बर्ताव बदल जाता है उन्हें लेकर, जब मीडिया उनकी बात नहीं सुनती या फिर उनके बगैर इजाजत तस्वीरें क्लिक कर लेती हैं, ऐसी बातें आपने कई बार सुनी होगी कि जया मीडिया के सामने अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल करती और उन्हें सुना देती है जब भी उन्हें उनके बिहेवियर से परेशानी होती है। लेकिन जया बच्चन के इस बिहेवियर को लेकर, सेल्फी क्लिक कराने की वजह से परेशान होने को लेकर, हाल ही में कॉफी विद करण सीजन 6 के एपिसोड में जब उनके बेटे और बेटी से पूछा गया सवाल, यानी कि अभिषेक और श्वेता से पूछा गया सवाल, तो उनके बच्चों ने बताया कि जया बच्चन शुरुआत से, यानी कि बचपन से ही ऐसी रही हैं, उन्हें शुरुआत से ही इस तरह का बिहेवियर पसंद नहीं रहा है। और आपको बताते चले, अमिताभ बच्चन की पत्नी बनने से पहले ही जया बच्चन बॉलीवुड की डिमांडिंग एक्ट्रेस थी, उनकी करियर तब पर थी और उन्होंने बड़ी बड़ी हिट फिल्में कर रखी थी। लेकिन अमिताभ बच्चन का व्यवहार उन्हें इस कदर पसंद आया कि उनके प्यार में जया खुद को खो बैठी थी। खैर, इस बात में कोई शक नहीं कि जया अमिताभ बच्चन से बिल्कुल अलग हटके हैं और उनके व्यवहार को उनके बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि उनके बच्चों ने उनकी पोल खोल दी, उनके गुस्से के कारण को बताया और अब सब समझ गए होंगे आखिर क्यों जया ऐसा व्यवहार करती है। बॉलीवुड में बात जब भी स्टार्स की होती है तो हमेशा किसी ना किसी वजह से स्टार्स को लेकर चर्चा होती रहती है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में एक बेहद ही दिलचस्प खबर जरूर देना चाहेंगे। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम ही है, कॉफी विद करण सीजन 6 के एक एपिसोड की वजह से फिलहाल ऐश्वर्या को लेकर लगातार ये खबरें आ रही है कि अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी ऐश्वर्या से काफी डरते हैं। लेकिन यहां हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जहां एक तरफ उनके डर को लेकर खुलासा हुआ तो वहीं दूसरी ही तरफ अब खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अगर अभिषेक बच्चन की माने तो ऐश्वर्या एक स्ट्रिक्ट मॉम है, वो बिल्कुल भी अपनी बेटी को लेकर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, जो हमेशा अपनी बेटी को अपने साथ हर कदम पर लेकर चलती हैं। ऐसे में बिल्कुल जया बच्चन की तरह है अभिषेक बच्चन की वाइफ ऐश्वर्या, कहीं ना कहीं जया यानी कि सासू माँ की परछाई ऐश्वर्या में आ गई है। जिस तरह जया बच्चन अपने बच्चों को लेकर एक स्ट्रिक्ट मॉम कहलाती आई हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या भी अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट बन चुकी हैं। ये खबरें थी कि अभिषेक बच्चन ने खुद ही बताया था कि वो ऐश्वर्या राय बच्चन की तरह नहीं है, कई बार अपनी बेटी को लेकर वो ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन ऐश्वर्या बिल्कुल भी ढीली नहीं पड़ती हैं। वह अपनी पत्नी को लेकर राज खोलने वाले अभिषेक बच्चन के बारे में ऐसी भी खबरें काफी समय पहले वायरल हुई थी कि खुद उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि अपनी बेटी की पढ़ाई और करियर को लेकर ऐश्वर्या से झगड़े
भी हुए थे उनके। जी हाँ, जब उनकी करियर को लेकर ये खबरें थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन चाहती हैं ऐश्वर्या की बेटी, उनकी बेटी कुछ और ही बने, तो वहीं अभिषेक उन्हें एक्ट्रेस के तौर पर देखना चाहते थे और इसे लेकर दोनों के बीच बहस भी हुई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये उन्हें ही बेहतर पता हो सकता है। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या राय बच्चन को भी एक तकलीफ सहनी पड़ी थी, वो तकलीफ जिसका हमेशा से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस सामना करती आई हैं, वो तकलीफ जिसे बॉडी शेमिंग का नाम भी दिया गया। बॉडी शेमिंग को लेकर अब तक ना जाने कितनी अभिनेत्रियां काफी ज्यादा जुझ चुकी हैं कई सवालों का, कितनी अभिनेत्रियां बॉडी शेमिंग जैसे चीजों का सामना कर चुकी हैं। लेकिन ऐश्वर्या जब प्रेगनेंसी के दौरान काफी ज्यादा बल्की हो गई थी, तब उन्हें रैंप वॉक के दौरान कई बार, कई शोज के दौरान, कई इवेंट के दौरान रेड कार्पेट पर बल्की लुक में देखा गया, जिसके बाद उन्हें लेकर बॉडी शेमिंग से जुड़े कई बातें सामने आए गए थे। खैर, काफी परेशान थे इस दर्द से ऐश्वर्या, यही वजह थी कि मां बनने के बाद, जी हाँ, मां बनने के बाद ऐश्वर्या सालों तक बॉलीवुड से दूर ही रही। और अपनी बेटी को पूरा टाइम देने वाली ऐश्वर्या ने हमेशा से अपनी बातें बॉलीवुड के चाहने वालों के बीच रखी। गर्ल, इस बात में कोई शक नहीं कि मोटापे को लेकर ऐश्वर्या का अपमान जरूर किया गया था जब वो काफी बल्की हो गई थी, लेकिन खुद पर काम करने के साथ ऐश्वर्या इतनी ज्यादा फिट हुई कि फिर उन्हें देखकर हर किसी के जुबा पर ताला चढ़ गया जो कि उनके बॉडी शेम को लेकर बात करते आए थे। मीडिया के सामने ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऐश्वर्या जब आती है तो उनकी खूबसूरती को कैप्चर करने के लिए ऐसी बातें होती है कि बार बार मीडिया उनसे पोज देने के लिए गुहार लगाती है। लेकिन भाई, मिस वर्ल्ड है तो उनकी तस्वीरें तो क्लिक की जाएगी, मिस वर्ल्ड है तो उनकी खूबसूरती को कैप्चर जरूर किया जाएगा। तो चलिए, इस रिपोर्ट में हम आपको बता दें, अभी हाल ही में ऐश्वर्या की ये तस्वीर सामने आई जिसमें ऐश्वर्या की तस्वीर क्लिक करने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ तो ऐश्वर्या से ज्यादा तेज निकली उनकी बेटी आराध्या, जो कि पोज दे रही हैं और लग रहा है ऐसा जैसे हाथों से रोक लगा रही हैं वो फोटो खींचने वालों की। जी हाँ, खींचने वालों पर गुस्सा निकालना, यानी कि मीडिया के इन्हीं हरकतों पर गुस्साई हैं बेटी आराध्या। ये आप फिर देख सकते हैं, आप खुद ही तस्वीर समझ जाएंगे आप कहना क्या चाहते हैं हम। ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या की बेटी आराध्या जो कि अपने हाथों से दे रही है पोज, लेकिन चेहरे पर नहीं है उनकी मुस्कुराहट, जो करता है इशारा एक ही बात की तरफ कि फिलहाल मूड में नहीं है ये लिटिल किड स्टार फोटोज क्लिक कराने की। लेकिन मामा को देखें ना, आप तो समझ गए होंगे कि ऐश्वर्या अपनी बेटी की इन हरकतों पर मीडिया को नजरअंदाज करवाने के लिए कोशिश कर रही है, तभी तो मुस्कुरा रही है वो आराध्या को देखते हुए। बता दें आपको, आराध्या वैसे तो मीडिया फ्रेंडली हो चुकी है, लेकिन अक्सर ही उन्हें देखा जाता है कुछ ऐसी बॉन्डिंग शेयर करते हुए अपने फ्रेंड्स के बीच, अपनी फैमिली के बीच, जिससे ये लगता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को फिलहाल सोशल मीडिया पर लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाती, क्योंकि उन्हें हमेशा मीडिया के सामने अलग अलग एक्सप्रेशंस देने के लिए ही जाना जाता है, जिन्हें ऐश्वर्या राय बच्चन खुद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं और उन्हें मीडिया से बचाती भी हैं और अपने स्टारडम का असर राध्या पर बिल्कुल नहीं पड़ने देती हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। वेल दोस्तों, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम स्टार लाइफ, जिसमें हमने बात की फैमिलीज के बारे में, बच्चन फैमिली के बारे में। सुना आपने किस तरह बच्चन परिवार का राज पूरी तरह से सामने आ चुका है। श्वेता हो या अभिषेक, अपनी फैमिली के बारे में बोलने से पहले अब नहीं सोचते और अपनी फैमिली के हर सदस्यों के बारे में खुलकर दिलचस्प बातें सामने ला चुके हैं ये दोनों। तो अब दीजिए इजाजत, लौटेंगे इसी तरह स्टार लाइफ के अगले एपिसोड को लेकर बॉलीवुड टाउन से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।